नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी। इसका ये सेट नंबर 1 है। इसके पहले हमने लाया है आपके लिए ज्योग्राफी पे, साइंस एंड टेक पे, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सब पे एमसीक्यूज, उन्हें आप देख सकते हैं। हम लाते हैं रोज सुबह आपके लिए करंट अफेयर पे एमसीक्यूज, द हिंदू से, पीआईबी से और इंडियन एक्सप्रेस से। इनके जो पीडीएफ हैं आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर, जिसकी आईडी है क्रैकर साइंस एकेडमी। मेरा फेसबुक पेज भी यही क्रैकर साइंस एकेडमी ही है। चलिए, जो सवाल होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। दोस्तों, हमारे हर वीडियो में सवाल दोनों भाषाओं में नहीं होते। कभी कभी होता क्या है कि समय का भाव होता है, उस कारण से हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते। सवाल हमारा पहला ये कह रहा है कि इनमें से कौन से विषय जो हैं वो संवर्ण सूची कंकरेंट लिस्ट में लिस्टेड हैं। देखो, जो संविधान है भारतीय संविधान, उसमें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। पहला हमारा है यूनियन लिस्ट, जो हमारा है लिस्ट नंबर 1। फिर हमारा है स्टेट लिस्ट, जो है लिस्ट नंबर 2। तीसरा हमारा है कंकरेंट लिस्ट, जो है लिस्ट नंबर 3। तो जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें आपका पब्लिक ऑर्डर नहीं आता। पब्लिक ऑर्डर जो है वो राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, लिस्ट नंबर 2 में आता है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 5 जो है एलिमिनेट किया, मेरे यहाँ पर डी चला गया और यहाँ पर मेरा ए चला गया। बच गया क्या, 2 एंड 3, यहाँ पर 1 4 1 4 देखना है मुझे। अब फॉरेस्ट को दोस्तों ट्रांसफ़र किया गया था जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें। इसके अलावा एजुकेशन को, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल को, बर्ड को, और जो जस्टिस है, वेट एंड मेजर है, इन सबको ट्रांसफ़र किया गया था कंकरेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट के जरिए, जो पास किया गया था 1976 में। ठीक है, इस साल पास किया गया था। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, यहाँ है 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। पाँचवा जो स्टेट लिस्ट में है, सी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। अगला हमारा सवाल है राज्यसभा के बारे में। संविधान लेज डाउन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। संविधान ने ही दिखाया है कि राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वो 250 होगा। कितना होगा, 250 होगा। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द इंडो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। दोस्तों, जो 2 मेंबर होते हैं ना, वो राज्यसभा में नहीं होते, वो लोकसभा में होते हैं। प्रेसिडेंट 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, जिनको एक्सपीरियंस होता है। मेरा यहाँ पर 2 गलत है, ये राज्यसभा नहीं है, ये लोकसभा है। 3 नंबर, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी हैव रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सभी राज्य, मगर केवल 2 यूनियन टेरेटरी हैं। बाकी जो यूनियन टेरेटरी हैं ना, उनका जनसंख्या इतना नहीं है कि उनको राज्यसभा में सीट दी जाए। ठीक है, तो जो दिल्ली है और जो पौंडीचेरी है, केवल यही इन्हीं लोग के लोग जाते हैं राज्यसभा में, बाकी के अंडमान निकोबार, दमन, दीव, ये सब के लोग नहीं जाते राज्यसभा में। मेरे यहाँ पर 3 गलत है, 2 तो गलत था ही, 1 मेरा सही था। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है कि इनमें से कौन कौन सा जो हमारा फीचर है भारतीय संविधान का, वो फेडरल फीचर है, संघीय विशेषता है। ध्यान सुनना, भारतीय संविधान में एकल संविधान और संघीय संविधान दोस्तों दोनों का फीचर है। मतलब कि ये इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की विशेषताएं हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट विथ यूनियन एट द सेंटर एंड स्टेट एट द पेरिफेरी। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है दोस्तों, वहाँ पर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है। भारत में सबसे नीचे है पंचायती राज, PRIs, इसके ऊपर आता है स्टेट गवर्नमेंट, इसके ऊपर आते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का लेयर है। ये क्या है, ये एक फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। मेरे यहाँ पर पहला सही है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान अगर सुप्रीम होगा तो जो स्टेट का अस्तित्व है और जो PRI का अस्तित्व है वो बना रहेगा, इस पर संकट नहीं आएगा। मेरे यहाँ पर 2 सही है। अगर संविधान को वायलेट करता है केंद्र, तो राज्य और PRIs दोनों जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना हक लेने के लिए, अपने अधिकार को वहाँ पर इंश्योर करने के लिए। सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों, जो सिंगल सिटीजनशिप होता है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का एक साइन होता है। फॉर एग्जांपल, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। कोई भी अमेरिकी नागरिक जो है वो US का नागरिक तो है ही, वहाँ के जो राज्य हैं वो राज्य का भी अलग नागरिकता उसके पास होती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती तो हम कहते कि वो एक बेसिक फीचर है। अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। जो फेडरल कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जुडिशरी स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल USA। मेरे यहाँ पर 4 जो है वो ये भी एक साइन है एक फेडरल गवर्नमेंट का। अगला हमारा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी।
इंटीग्रेटेड मतलब कि एकीकृत, इसका मतलब ये है ना कि राज्य के नियम कानून को इन्फोर्स करने के लिए और केंद्र के नियम कानून को इन्फोर्स करने के लिए दोनों के लिए सेम हमारे जुडिशरी है। मतलब कि अगर कोई केंद्रीय लॉ वायलेट होता है, मान लो कि आरटीआई का वायलेशन हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पहले आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब कि जो राज्य का जो हाई कोर्ट है वो केंद्रीय लॉ के वायलेशन को भी सुन सकता है। अगर आपको पेटिशन फाइल करनी है किसी भी संविधान के अमेंडमेंट को रिव्यू करने के लिए, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट केवल राज्य के नियम कानून को ही नहीं, जो केंद्र के नियम कानून है उनको भी इन्फोर्स करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर यहाँ पर 1 है, 2 है और 4 है। जो सिंगल सिटीजनशिप है और जो एकीकृत जुडिशरी है, ये हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है। ठीक है, मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 4 कहाँ है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है कि आपको मतलब कि अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो राज्य हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को, मतलब कौन पहले बना था कौन बाद में बना था, पंजाब, सिक्किम, गोवा, नागालैंड। दोस्तों जो पहला राज्य था जो बना था वो था आंध्र प्रदेश, वो बना था भाषा के आधार पर। ठीक है, जो SRC था ना उसका, जैसे कि वो जो एक्ट हो उसको कनेक्ट किया गया था उसके पहले। सिक्किम बना था 75 में, जो पंजाब उससे पहले बन गया था 66 में, नागालैंड 63 में और गोवा 87 में। तो पहले कौन बना? पहले बना नागालैंड, फिर इसके बाद बना पंजाब, फिर इसके बाद बना सिक्किम, इसके बाद बना यहाँ पर गोवा। कौन सा हो गया? नागालैंड 4, पंजाब हो गया 1, सिक्किम हो गया 2 और फिर हमारा गोवा हो गया 3। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यहाँ पर मेरा आंसर है डी। अगला हमारा सवाल है DPSP पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया गया था संविधान में बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। देखो DPSP में कुछ ओरिजिनल प्रोविजन थे, मगर भारतीय संविधान को अमेंड करके कुछ नई बातें ऐड करी गई हैं। तो कौन कौन से प्रोविजन को अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है? सिक्योर डैट ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस एंड शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड। दोस्तों जो फ्री लीगल एड दी जाएगी, जो लोग मान लो कि आप वकील नहीं कर सकते अपने केस में, तो अगर आप वकील नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, तो सरकार आपके लिए वकील नियुक्त करेगी, वो होता है फ्री लीगल एड। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखो बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव हो लिए गए हैं, पहला तो उनको लिया गया है राइट टू एजुकेशन, दिया गया है उनको फंडामेंटल राइट, प्लस उनके लिए दोस्तों कई सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं उनके हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। मिनिमाइज द इनक्वालिटी इन इनकम, आर्थिक इनक्वालिटी को कम करना है, मिनिमाइज करना है, और जो उन इनक्वालिटी हैं उनको एलिमिनेट करना है, इसकी कोशिश करनी है। जो अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटीज़ है और जो स्टेटस है, इनमें जो असमानता है ना उसको ख़त्म करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो जंगल हैं, जो वन्य जीव हैं, इनको सेफ गार्ड करना है, इनको बचाना है, और जो पर्यावरण है इनको बचाना है। दोस्तों इसमें से कौन कौन से को अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था वो देखिए। जो 42वां अमेंडमेंट था इसमें ऐड किया गया था फ्री लीगल एड वाला, बच्चों को न्यूट्रिशन वाला, और जो एनवायरमेंट वाला है वो वाला। जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था 78 में, इसमें ऐड किया गया इनइक्वालिटी को जैसे कि एलिमिनेट करने वाला। तो यहाँ पर मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों को अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था आपके पार्ट 4 में। ठीक है, देखो पार्ट 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में आपका आता है DPSP और पार्ट 4 का ए में आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान सुनना, जो फंडामेंटल ड्यूटी थी ना, ड्यूटी हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। अच्छा, कौन सा कमेटी था जिसके जिसके रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया संविधान में, आपको बताना है उस कमेटी का नाम, कमेटी का नाम बताइए। अगला हमारा सवाल है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 अक्टूबर। दोस्तों जब प्रियम्बल पढ़ेंगे आप, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, उसमें साफ लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं और अपने आप को सौंपते हैं। अक्टूबर तो नहीं था, मेरे यहाँ पर पहला गलत हो गया। सारे प्रोविजन आए थे फोर्स में 26 जनवरी को, नहीं जी,
कुछ प्रोविजन पहले ही आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो है ना, जैसे कि हमारा जो सिटीजनशिप वाला जो है, नागरिकता वगैरह वाला प्रोविजन है, वो सब 26 नवंबर को ही आ गया था फोर्स में, बाकी आया था 26 जनवरी को फोर्स में। मेरे यहाँ पर पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? मेरा डी, नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट, टेम्प्रोरी ट्रेडिशनल प्रोविजन, ये सब आ गया था फोर्स में 26 नवंबर को ही। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके बताता कि मतलब कि सम ऑफ द प्रोविजन केम इन टू फोर्स ऑन 26 नवंबर, ये बात तो सही होती है ना। अगला नंबर सवाल है कि इनमें से कौन कौन से फीचर जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने उसको वायलेट किया, तो क्या उसको इंश्योर करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं? फंडामेंटल राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो क्या आप उसको बचाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी। तो जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है, मेरा यहाँ पर पहला सही है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसिएबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं पूरा करता तो आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। वैसे ही मान लो कि सरकार की कोई पॉलिसी डीपीएसपी को वायलेट करती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सरकार जो है वो उसको करना चाहिए था इसको एनफोर्स, वो नहीं कर रही है, क्योंकि वो जैसे कि वो जस्टिसिएबल है ही नहीं। संविधान ने उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, इसलिए जस्टिसिएबल नहीं है वो। मेरे यहाँ पर टू गलत है, थ्री गलत है। संवैधानिक राइट आउटसाइड पार्ट थ्री, कुछ अधिकार आपको पार्ट थ्री के बाहर भी दिए गए हैं। पार्ट थ्री में हमारा फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है, ये भी जस्टिसिएबल है। मेरे यहाँ पर पहला चौथा सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा सवाल है फंडामेंटल राइट पर ही। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अंडर द संविधान आर कन्फर्ड टू सिटीजन बट डिनाइड टू एलियन। लक्ष्मीकांत में साफ लिखा गया है कि कौन कौन से अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, कौन कौन से अधिकार जैसे कि जो हमारे एलियन है, एलियन मतलब जो मतलब विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए भी हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दोस्तों ये जो अधिकार है वो केवल नागरिकों के लिए है, मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता, मान लो कि वो जन्मा है यूक्रेन में, वो ये नहीं कह सकता कि मैं जन्मा हूँ यूक्रेन में तो हमको बनना है राष्ट्रपति। नहीं जी, वो हमारे संविधान में लिखा गया है कि हाँ आप भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कई सारी बातें जो हैं वो हमारे नागरिकों के लिए हैं, कई सारी बातें जो है वो दोनों को दी जाती हैं। तो मेरा यहाँ पर जो पहला है ये सिटीजन के लिए है, एलियन के लिए नहीं है। जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये भी केवल नागरिकों के लिए है, और जो मेरा कल्चरल राइट है ये भी हमारे केवल सिटीजन के लिए ही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये दोनों के लिए है, मतलब कि कोई भी आर्बिट्ररी काम नहीं किया जाएगा, ये इंश्योर करते हैं हम लोग एलियन को भी। 1, 3, 4 सही है, कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है आर्टिकल 368 के बारे में। आर्टिकल 368 डील करता है संविधान के अमेंडमेंट से, जो प्रोसीजर है वो बताता है, और पावर जो है वो बताता है कि क्या क्या पावर होंगे हमारे पार्लियामेंट के पास, और क्या प्रोसीजर होगा संविधान को अमेंड करने का। वो संविधान को अमेंड कर सकते हैं तीन तरीके से। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से प्लस रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। जो फेडरल फीचर हैं जहां पर राज्य का इंटरेस्ट आता है उसको अमेंड करने के लिए राज्य का रेटिफिकेशन जरूरी होता है, बाकी में चाहिए होता है स्पेशल मेजोरिटी, और जो बच गए सिंपल सिंपल वाले वो चाहिए होता है उसमें सिंपल मेजोरिटी। जिस अमेंडमेंट में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ये अमेंडमेंट आर्टिकल 367 के अंतर्गत नहीं आता। बस में आती है, मान लो कि आपको शेड्यूल वन को अमेंड करना है, मान लो कि मुझे एक नया राज्य बनाना है, चलो मान लेते हैं बुंदेलखंड बनाना है ना, बुंदेलखंड बनाना है मुझे नया राज्य, तो नया राज्य बनाने के लिए आप शेड्यूल वन को अमेंड करेंगे, है ना? तो इस शेड्यूल वन को आप अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से जरिए ही। किससे? सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं अमेंड, इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, उसकी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो था ना तेलंगाना, जब तेलंगाना बना था तो हमने शेड्यूल वन अमेंड किया था, वो किया था सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है? अब देखिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। देखो, जो भी व्यक्ति सरकार में हैं वो होते हैं मंत्री,
और जो लोग सरकार में नहीं होते हैं वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति, वो एमपी ही होगा, बस वो सरकार में नहीं होगा। तो संविधान के अमेंडमेंट के लिए जो बिल है वो कोई भी पेश कर सकता है, चाहे मंत्री हो चाहे वो कोई प्राइवेट मेंबर ही क्यों ना हो। मेरा पहला यहाँ पर सही है। इट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं प्रेसिडेंट का परमिशन नहीं जरूरी है यहाँ पर, मनी बिल के केस में जरूरी होता है। ठीक है, मेरे यहाँ पर टू गलत है। देर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग। जो अमेंडमेंट बिल होता है वो हर सदन के द्वारा, लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग पास करना होता है। ये नहीं कि आपने ज्वाइंट सेटिंग बुला करके अमेंडमेंट पास कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जो ऑर्डिनरी बिल है इसके केस में हम लोग ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेटिंग जरूरत, जैसे कि इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मनी बिल वाले केस में लोकसभा प्रिवेल करता है, लोकसभा की ही बात चलती है, राज्यसभा के पास केवल रिकमेंडेशन देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर मेरा है यहाँ पे 1 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर 2 तो गलत था, पहला सही था। तेरह में सही, क्योंकि मैं पूछ रहा है कि यहाँ पर देर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग। मेरा थर्ड सही आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, इनमें से कौन कौन से अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ धर्म के अंतर्गत आता है, आपसे ये पूछ रहा है। आपको ध्यान सुनना है, जो आर्टिकल 25 है, देखो 15 देख लो आप, देखो 15, 25, 26 और 30, ये तीन, ये चार मेन हमारे राइट हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 25 कहता है कि आपको पास, कि आपके पास अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। 26 कहता है कि आपको एक शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है माइनॉरिटी को, और सॉरी ये 30 कहता है, 26 कहता है कि आपके पास अधिकार है आपको जो धार्मिक है ना संस्थान उसको मैनेज करने का। आर्टिकल 26 ही वो, जैसे कि आर्टिकल था जो डिस्प्यूट में था यहाँ पर सबरीमाला वाले केस में, सबरीमाला वाले में केस में ये कह रहा था कि जो टेम्पल का मैनेजमेंट है उसको अपने मंदिर को मैनेज करने का अधिकार है, क्योंकि उसके पास राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर धार्मिक एंड चैरिटेबल पर्पस, ये दिया गया अधिकार किसके अंतर्गत? राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? 2 सही है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है 4 वो सही, सॉरी 4 जो है वो सही है। मेरा 1 गलत है, मेरे यहाँ पर 3 गलत है। ठीक है, कैंसर हो गया, सी सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बातें हमारे आज की, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।